everyone, what's up and welcome back to our YouTube channel Nishi and Lippi's World. I am Nishita and I am up with the haul video. So as festive season has been started, Nykaa is having their Navratri sale from 1st to 10th of October, in which they are giving 50% off on top brands. So without any further delay, let's begin. So I recently got this parcel from Nykaa and maine abhi tak kuch khola nahi hai. Like I just checked कि सारे सामान आ गए हैं या नहीं और देखते हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. पिछले वाला जो था वो ख़त्म हो चुका है, सो आई थॉट टू रिफिल इट. और ये काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज में मुझे भी मिल गया है. इट कॉस्टेड मी अराउंड 130 ओनली. इसका MRP जो है वो 200 के आसपास होता है, पर सेल पे 129 में मिल रहा है. सो इट इज़ अ वेरी गुड डील. और ये जो शेड मैंने मंगवाया है वो है टॉफी, जो मेरे स्किन टोन के हिसाब से काफ़ी मैच कर रहा है. ये कैन डेफिनेटली सी. और उसके साथ ये स्पॉन्ज भी मिलता है, मैंने एक बार स्वॉच करके देख लिया है और ये काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन पे जा रहा है. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट. ओके, सो कॉम्पैक्ट के साथ मुझे ये तीन चीज़ें फ्री मिली है Maybelline की तरफ से. सो ये फर्स्ट जो है वो है एक, मतलब ये दोनों फाउंडेशन के दूसरे दूसरे शेड्स हैं. ये वाला शेड मेरे पास है ऑलरेडी और ये वाला ट्रायल के लिए दो पैकेज आए हैं. और ये कुछ सारे शेड्स का जो एक बुकलेट टाइप का उन्होंने दिया हुआ है. सो इसके साथ ये तीन फ्री है. ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस LA18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक. ये इसका MRP शायद मुझे कुछ, इसका MRP एक्चुअली 100 है, पर आई गॉट दिस वन एट 75 एंड द शेड इज़ W14. और ये कुछ पर्पलिश पर्पल शेड आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ है. एक बार मैं सर्च करके दिखा देती हूँ. ये है और आज मैंने लगाया हुआ भी था, वो ऑक्सीडाइज हो गया पूरा. तो कोई नहीं, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये शेड. सो और भी काफ़ी सारे शेड रेंज अवेलेबल है Nykaa पे, तो आप चेक कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज LA18 लॉन्ग लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन. सो इसका MRP कितना है, आई डोंट नो. इसका MRP 100 है और ये मुझे 100 में ही मिला है. सो इस पर कोई ऑफर नहीं था. और द शेड इज कोरल 04 कोरल. और ये भी ठीक ठाक ही है शेड. Nykaa पर जब मैंने देखा तो इसके सिर्फ 4 ही शेड अवेलेबल थे, तो ये शेड मुझे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था. और ये ठीक ही है, लाइक ठीक है, टेक्सचर भी ठीक है. सो इसको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा रहता है, क्या करता है. सो ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट. और ये कुछ ऐसा है, द नेम इज़ द ट्रॉपिक्स 2 और इसमें 10 शेड्स हैं. और मुझे लगता है स्विस ब्यूटी का ये नया वेरिएंट कुछ निकला है, क्योंकि मैंने पहले ये नहीं देखा था. सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. ओके ओके, ये मैग्नेटिक है क्या? हाँ, दिस वन इज़ मैग्नेटिक. वाओ, इट लुक्स सो प्रिटी. सो इसमें ये सारे सेट्स देखें, ये सारे सेट्स हैं. इसका शायद और एक पैलेट भी अवेलेबल है, पर मुझे ये वाला पैलेट ज़्यादा अच्छा लगा. इसके शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने स्वॉच वगैरह कुछ किया नहीं है. सो आई जस्ट शो एक दो कलर. ये वाला कलर काफ़ी अच्छा. ओह, देख रहे हैं, मतलब वैसे दो ही बार मैंने किया है और सो पिगमेंटेड और बस दो ही बार करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ऐसे कलर्स. ये न्यूट, ये सो गुड. लाइक मैं बस दो ही बार ले रही हूँ कलर अपने पे और ये ग्रीन कलर क्या था, मैन ये सो गुड, सो पिगमेंटेड. इसे काफ़ी अच्छे आप काफ़ी सारे आई शैडो अपने आई लुक क्लियर कर सकते हैं. सारे MRP है इसका 299, पर मुझे ये 194 में मिला. सो इट वॉज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि स्विस ब्यूटी के पैलेट काफ़ी अच्छे हैं. मेरे पास और भी एक पैलेट है स्विस ब्यूटी का,
जिससे मैंने काफ़ी सारे मेकअप लुक क्रिएट किए हुए हैं और आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. सो आप बाकी सब लो या ना लो, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस वन, द ट्रॉपिक्स ऑफ स्विस ब्यूटी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेबलिन न्यूयॉर्क क्रीमी मैट लिपस्टिक एंड द शेड इज़ बोल्ड क्रिम्सन 634. और ये जो शेड है ये कुछ मरून रेड काइंड ऑफ शेड है. और स्वॉच करके दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, लाइक आई लव. सो द लास्ट प्रोडक्ट फॉर द वीडियो इज़ दिस. ये एक कॉम्बो पैक में मुझे मिल गया था. सो मुझे एक्चुअली चाहिए था एक ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश वॉश करने के लिए एक टूल चाहिए था, तो मुझे ये दोनों एक पैकेज में मतलब कॉम्बो में मिल गए. सो इसका जो प्राइस है, मुझे इसका MRP 300 है, पर आई गॉट दिस वन एट 210. ठीक है, आई गॉट दिस वन एट 210. सो दिस वन इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर ठीक ही है, लाइक जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही है. और द मेन थिंग इज़ दिस वन, क्योंकि मुझे ये काफ़ी दिनों से चाहिए था. सो इससे आप अपने ब्रश को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वॉश कर सकते हैं, नहीं तो उसके ब्रिसल्स जो होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं अगर आप ऐसे ही नॉर्मली हैंड से या फिर किसी और चीज़ से वॉश करते हो. इस पर अगर आप वॉश करेंगे तो आपके जो ब्रश हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और उसके ब्रिसल्स जो हैं वो मतलब ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे. सो या तो मेरे पास और एक चीज़ है जो मैंने लाइक दिस वन इज़ अ बोनस प्रोडक्शन से मैंने इसको पहले से मंगवाया हुआ था, पर आई थॉट टू शो यू ऑल इन दिस वीडियो ओनली, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है. सो ये है नायका का ब्लेंड प्रो मेकअप एप्लीकेशन ब्रश. सो ये है नायका का वो ब्रश और ये अभी 239 में मिल रहा है. इसका MRP आई एस इसका MRP 300 है, पर ये अभी 239 में मिल रहा है. सो इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड आई मेकअप के लिए अगर आपको ब्रश चाहिए, सो आप ट्राई कर सकते हो ये वाला. फॉर वॉशिंग दिस ओनली आई गॉट दैट सिलिकॉन ब्रश क्लीनर. सो ये काफ़ी अच्छा है ब्रश. और इसके और भी आते हैं लाइक पाउडर ब्रश और काफ़ी सारे ब्रशेज अवेलेबल हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय एनी प्रोडक्ट्स आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक इट आउट. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज निशी एंड लिपीज़ वर्ल्ड. सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.